अपराध शाखा की पुलिस टीम ने कैंपियनगंज थाने में हुई हत्या के एक मामले का खुलासा किया है। दिलचस्प बात यह है कि करीब डेढ़ साल बाद क्राइम ब्रांच के विवेचना के बाद हत्यारोपी की गिरफ्तारी संभव हो पाई। वहीं मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी जोगिंदर कुमार ने बताया कि क्राइम ब्रांच के निरीक्षक अजय कुमार मौर्य के नेतृत्व में साल 2019 को मृतक बब्बन मौर्य की हत्या के संबंध में थाना कैंपियनगंज में पंजीकृत मुकदमे धारा की विवेचना से अभियुक्त जय हिंद की गिरफ्तारी के साथ ही आला कत्ल बरामद किया गया है। एसएसपी ने बताया कि अवैध संबंधों को लेकर जय हिंद ने अपने साढ़ू के साथ मिलकर अपने दोस्त बब्बन की हत्या की थी। हालांकि शुरुआती जांच में पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला था, लेकिन बाद में क्राइम ब्रांच द्वारा तफ्तीश में हत्याकांड का खुलासा हुआ है। साथ ही आरोपी गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी ने खुलासा करने पर क्राइम ब्रांच के दरोगा को 5,000 का इनाम देने की घोषणा की है। खुलासे के दौरान एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी जोगिंदर कुमार ने कहा, क्यों नहीं करते क्राइम ब्रांच में ऐसे तीन चार अभियोग की विवेचनाएं चल रही हैं, जिसमें और घटना की बढ़ती भी समझिए बस क्यों किए थे आपके 200 मीटर के दायरे में, और इसमें कुछ 4-5 मित्र गबन यादव और ये जहीन, ये दोनों पहले लुधियाना में एक साथ काम करते थे, तो वहाँ पर ये मित्र तो गबन वापस आ गया था, वो वहीं काम करता था, अभी भी वो वहीं पर वो था। इसके पहले भी क्राइम ब्रांच से विवेचना हो गई थी, विवेचकों थे उनके साथ से भी फाइनल रिपोर्ट की पुष्टि की गई थी, लेकिन इसमें खास बात ये थी जो सर में चोट आई थी, कोई सड़क पर गिर गया था, ये था कि दारू उसने काफी पी लिया था, दारू पीने के कारण पहले ये छात्र दारू पीने के कारण वो सड़क पर गिर गया। थाना कैंपियनगंज में एक FIR दर्ज हुई थी 302 की लगभग 1.5 वर्ष पहले, उसमें बहुत प्रयास के बाद ये खुलासा हुआ है। क्योंकि अभी जनपद में जो भी घटनाएं हुई उनके कई घटनाओं के खुलासे किए गए, उसके बाद हम लोग जो पुरानी घटनाएं जो वर्कआउट नहीं थी उनका भी हम लोगों ने खुलासा करने के लिए टीमें लगा रखी थी। उसमें SP क्राइम के नेतृत्व में हमारे इंस्पेक्टर है श्री अजय कुमार मौर्य, इनको सफलता मिली है, और उसमें जहेंद मौर्य नाम का एक अभियुक्त अरेस्ट किया है जिन्होंने बब्बन मौर्य की मर्डर किया था 3/6/2019 को, और उसमें उनको अरेस्ट करके जेल भेज रहे हैं। इनका एक साथी और है जो इसका सगा साडू भाई है, उसको भी हम लोग अरेस्ट करेंगे और उसके खिलाफ़ गैंगस्टर की कार्रवाई भी करेंगे। क्योंकि मामला इसलिए इम्पोर्टेंट है कि लगभग 1.5 वर्ष बाद इसका खुलासा हुआ है, और घटना में पूर्व पुलिस ने FIR लगा दी थी, उसके बावजूद भी हम लोग इसके लिए पीछे लगे रहे और इसका अरेस्टिंग करी है, और इसमें हम लोग इनको जेल भेज रहे हैं, गैंगस्टर की कार्रवाई कर रहे हैं। यह इसका जो आपस में इनकी जो अभियुक्त है इसके घर से और इसके आपस में महिला से किसी संबंध थे, उस महिला से संबंध के आधार पर और अवैध संबंधों के आधार पर यह घटना गार्ड की गई है। नहीं, फरारी के दौरान कोई घटना नहीं अभी संज्ञान में आई है हमारे, इसकी हिस्ट्री नहीं है कोई, ये चूँकि अवैध संबंधों में हत्या हुई है तो यह उस तरह की हत्या है, तो इस तरह का कोई आपराधिक रिकॉर्ड इसका नहीं है। क्या काम किसान टाइप के लोग हैं अपना, कोई स्पेसिफिक काम नहीं है इसका। थैंक यू।